तो इंडिया में फेमस है काले पीले कलर के टेम्पू, और यहाँ पर फेमस है इस प्रकार के टेम्पू बना रही है यहाँ पर मोहतरमा। अभी मैं हूँ द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड। ये क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर चेतक खड़ा हुआ है, पर ये चेतक नहीं होगा, कोई दूसरा ब्रांड। ये खून को ना जमा देते हैं ये लोग, उसको ईट करते हैं। अच्छा भाई, रेडे से भी लेके आ जाते हैं यहाँ पर बेचने के लिए कुछ। ये चलती है की लोकल बस। भाई साहब इनका खाना मिल गया, बड़े सांप नहीं है, फ्राई करके रख देते हैं, मेरे को लगता है खराब नहीं होती होगी। यहाँ पर भी ऐसे ही खाना वगैरह पड़ा हुआ है भाई। हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और अभी मैं हूँ द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर। और आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा पहला दिन कैसा जाता है थाईलैंड के अंदर। एयरपोर्ट से आते तो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मेरा कार्ड था गुम हो गया था। और आज मैं आप लोगों को बैंकॉक सिटी दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने नाइट लाइफ दिखाई होगी, मैं भी दिखाऊंगा जो कि कल आएगी, लेकिन आज दिखाते हैं देसी थाईलैंड, जैसा कि बिल्कुल जो डीप वाला होता है ना, जहाँ पर कोई नहीं घूमने आता। जैसे कि मेरे पीछे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये है यहाँ पर झूले, जो फ्लाईओवर ब्रिज, उसके नीचे यहाँ पर झूले बना रखे हैं। और आसपास में ये बंदे बैठे हुए हैं, एक ये बैठा हुआ है और एक इधर की साइड में देखो बैठा हुआ है, दो तीन और बैठे होंगे आगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चलता है, तो ऐसा कुछ जा रहा है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन। और ऐसी कुछ शॉप्स होती है यहाँ पर, बिल्कुल इंडियन स्टाइल शॉप्स है, शटर लगा रखे हैं इंडिया जैसे। और यहाँ पर बाइक्स वगैरह आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर मिलती है ज्यादा देखने के लिए स्कूटीज। और स्कूटीज इनकी बहुत ज्यादा सीसी की होती है, ये नहीं कि छोटी मोटी सीसी की है, बहुत ज्यादा सीसी की। और ऊपर से एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं तगड़ा वाला। ये झूले वगैरह से मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी चलते हैं यहाँ से अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, एक तो है ताई और एक है हिंद भाई, जो कि घूम रहे हैं यहाँ पर आसपास में कहीं पर। और यहाँ पर रोड क्रॉस करनी है तो कुछ इस प्रकार की लाल लाल सी पट्टी होती है, लाल पट्टी और सफेद पट्टी अपने होती है, सिर्फ सफेद, इनके लाल भी होती है। और बैंकॉक की जो पूरी आबादी है वो लगभग 10 मिलियन के आसपास है। भाई मैंने बोला यार 7 करोड़ कोई आबादी होती है, इतनी आबादी तो मेरी स्टेट के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर, और इंडिया की 150 करोड़। तो यहाँ के ATM कुछ ऐसे रहते हैं, बाहरी लगे हुए हैं, बट इसके अंदर कभी पैसा मत निकालना, ये बहुत ज्यादा चार्ज करता है, 5000 रुपए तो अलग से लेता है। तो ये है हिंद भाई, बहुत बड़े ट्रैवलर भाई, वसुदेव कुटुंबकम कुटुंबकम। और ये है ताई, ये हमारी सबकी ताई है, ये इसकी भी ताई है, मेरी भी ताई है। आज इसी के साथ हम लोग घूमने जा रहे हैं। अभी ये 7-Eleven था क्या? चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेट्स गो भाई, यहाँ पर ऐसे मीट वगैरह है, कुछ खाते हैं यहाँ पर। ये खून वगैरह भाई जमा हुआ, कुछ तो पत्ते से है, चाउमीन वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं। हेलो स्वादिका, वाह जी वाह, ताई के साथ घूमने को मौका मिल रहा है। आपकी भी ताई, हमारी भी ताई, हम सबकी ताई। हमारे हरियाणा में ताई पता है, पता है मेरे को, तभी बोल रहा, हमारे बाप के बड़े भाई की दीदी। सो भाई ताई ने कुछ ये मंगा दिया, ऊट पटांग से पता नहीं क्या क्या आ गया, ये तो भाई मेरे को 100% पता है। तो ब्लड जो जमा हुआ होता है ना, वो है खून। ऐसे खून को भी जमा के बेचते हैं ना बहुत सारी जगह पर, होता है भाई ये खून। अरे ये है, दिस इज ऑल्सो मीट, जेलीफिश भाई, जेलीफिश है। इससे तो हाथ में झंझनाहट होती है, लेकिन यहाँ नहीं होती। क्या ऑर्डर कर दिया इसने, तुमने बोला क्या ये सब? मैंने नहीं, मैं तो खाने भी नहीं वाला ये सारी चीजें यार। यही खाएगी हमारी ताई, ताई के साथ वाले नहीं खाएंगे भाई, हम तो कुछ और खाएंगे। तो 7-Eleven से लेके आता हूँ, बगल में 7-Eleven है, फिर खाऊंगा मैं बैठ के। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्लड, ब्लड ना? हाँ मैंने बोला था ये खून है भाई, तुम मानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ बट खाता नहीं हूँ, पता सब है। ये खून को ना जमा देते हैं ये लोग, उसको ईट करते हैं। हाउ इज इट? अच्छा, ताई को बहुत अच्छा लग रहा है। विच वन इज ऑक्टोपस? देर इज नो काउ ना? काउ नो, ओके ओनली सी फूड। ओके भाई इसमें काउ नहीं है अपना, कोई वो होगा नहीं, कोई दिक्कत। तो ये दिस इज ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लेग और व्हाट? व्हाट इज लेग ऑक्टोपस? तुम खाओगे क्या इसको? कल मैं क्रोकोडाइल खा के आया। ये बंदे की भाई हमसे रीस नहीं होती, ये क्रोकोडाइल खा के आया, कह रहा मेरे को सांप भी खाना है। देर इज नो टेस्ट, सिंपल ऐसा लग रहा है जैसे तू जेली खा रहा है। तो ऐसे कुछ होटल पे हमने खाना खाया, ये होटल था
इसके पास में ये है 7-Eleven, यहाँ से मैं लेता हूँ अंदर जाके सिम। बट उससे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे बताया बाइक्स वगैरह यूज़ नहीं होती, तो स्कूटीज ही आपको हर जगह स्कूटीज देखने को मिलेगी। बाकी एक यूनिक चीज़ है, जैसे पुराने टाइम में हमारे लंबा सा एक ऑटो चलता था, इसको हम पंजाबी में ऊंट बोलते थे, तो ये यहाँ पर आप लोग देखोगे। तो इनके ये टैक्सी है लोकल वाली, और ऊपर दिख रहा है आपको ये फ्लैग। तो इसके अंदर 50 बात लगते हैं, आपको 2-4 किलोमीटर जाना हो एक जाने के अंदर बैठ के। तो कुछ अंदर से इस प्रकार का ये बैटरी है, कुछ ऐसा ये दिखता है भाई, तगड़ा यार। इसका एग्जॉस्ट एक नंबर, इसकी एग्जॉस्ट देखोगे तो ये इसका एग्जॉस्ट है, ये मॉडिफाइड है पूरा का पूरा। और अभी चलते हैं 7-Eleven के अंदर। भाई 7-Eleven के अंदर आप लोगों को सिम वगैरह मिल जाएगी, वैसे सिम AIS करके अच्छी रहती है कंपनी, उसका मैंने ज़्यादा सुना, बट आप लोग ये भी ले सकते हो। ओके ये वाली ले लेता हूँ मैं, या ये भी है कोई एक सिम है, ट्रू 5G सेकेंड बेस्ट नेटवर्क है यहाँ का, 15 GB दे रहे हैं 200 बात में, बट अपन लेंगे ये वाली अनलिमिटेड 350 बात की। थाईलैंड का जो मंदिर या आर्किटेक्चर स्टाइल है बिल्डिंग्स बनाने का, कुछ इस प्रकार का दिखता है। और उसके पास में एक और ऑटो दिख रहा है मेरे को, इसके अंदर सवारी करेंगे कल या उससे एक दिन पहले, मैंने कर लिया, अगर वीडियो देखनी है तो देख लेना जाके। बाकी आसपास में अभी कुछ इस प्रकार का नज़ारा है इसके अंदर, ये मेरे को लगता मंदिर ही है, मे बी ट्राई करना पड़ेगा इसके अंदर जाके। बाकी ये सिम ले ली है मैंने अभी, आप लोगों ने जैसा देखा होगा ट्रू 5G वाली अनलिमिटेड मिलता 350 बात का। सो अभी हम लोग एक बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर आए हैं, और यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहे हैं भगवान जी। चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 90% पॉपुलेशन है जो बुद्ध धर्म को फॉलो करती है, लगभग 5% है जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, 2% क्रिश्चियनिटी और बाकी के अदर रिलीजन आते हैं। यहाँ पर हिंदू रिलीजन बहुत कम है, इंडिया से लोग आते हैं काम धंधा करने के लिए, बस वही है बाकी। तो कुछ इस प्रकार का ये आप लोगों को मंदिर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ये लोग पूजा वगैरह पाठ करते हैं वो सबसे ज़्यादा है बुद्ध भगवान का, देन बुद्ध भगवान के बाद यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पे गणेश जी। ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मंदिर आर्किटेक्चर जो थाईलैंड का है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो कैसे तगड़ा सा एक इधर से की साइड में रथ बना रखा है, जैसे कृष्ण भगवान ने इसी के ऊपर युद्ध किया हो महाभारत में। चाइनीज आर्किटेक्चर है ये, मैं सोच रहा था ये थाईलैंड का है। लाफिंग बुद्धा आई नो, अरे सबके घर में पड़े रहते हैं हमारे, मैं वही कह रहा, ये तो हमारे सबके घर में कभी ना कभी हम लोगों ने देखे ही है। और ये सारा चाइनीज स्ट्रक्चर है और ये बुद्ध स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें और इसके अंदर। इनके आर्किटेक्चर से मेरे को ना प्यार हो गया यार, क्या आर्किटेक्चर है यार इनका, एक तो चाइनीज का और एक ये थाईलैंड वालों का। थाई आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी देखो इसके हीरे मोती चढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं, और उधर की साइड में बुद्ध भगवान की आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। भाई आपको लेके चलते हैं थाईलैंड की गलियां घुमाने के लिए। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार का है, खाने पीने का है और ऐसा कुछ यहाँ पर गलियां वगैरह है। अभी मेरे साथ वाले साथी पता नहीं कहाँ निकल गए। बाकी यहाँ पर स्कूटीज वगैरह इतनी ज़्यादा चलती है ना, हद चलती है भाई, हर जगह स्कूटीज वगैरह। यहाँ पर गलियों में कुछ ऐसे काम होता है, इनकी गलियां वगैरह। मंदिर के पीछे की छोटी सी एक गली है जहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी बोट पकड़ने के लिए। बोट इसलिए पकड़ने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ से मतलब टूर लेना है कि बोट के अंदर कैसा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी नदी वगैरह भी है। सो यहाँ पर पुराने पुराने घर देखने को मिलेंगे आपको, और ये ऐसा लग रहा है जैसे डोरीमोन वाले घर है, लेकिन थोड़े से ओल्ड स्ट्रक्चर है बट काफ़ी खूबसूरत है। रस्ते में घूमना है तो थाईलैंड आया ना भाई, एकदम मस्त आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर घर वगैरह लकड़ी से बने हुए हैं सारे के सारे, और मिनी डोरीमोन का घर देख लेना। बाकी यहाँ की गलियाँ काफी खूबसूरत होती हैं। इधर भी आप लोगों को पेड़ पौधे मिल जाएंगे लगे हुए, गमले हमले पड़े हुए। थाईलैंड के टूरिस्ट एरिया से अच्छा है आप लोग ऐसे डीप एरियाज घूमो जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा जो इनका नेचुरल वाला पार्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर घूमोगे बिल्कुल पॉश एरिया वहाँ का तो आपको ऐसे मजे आएंगे नहीं। जहाँ पर आप लोगों को सब कुछ समझ में लगेगा कि यहाँ पर जो रियल लाइफ है थाईलैंड में लोगों की, वो कैसे यहाँ पर रहते हैं और कैसा इनका जीवन निकल रहा है। वैसे तो आप जहाँ मर्जी घूमोगे आपको पार्टी लोकेशन देखने को मिलेगी। अभी हम लोग थोड़ा सा डीप गलियों के अंदर घूम रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो घर का स्ट्रक्चर वगैरह है वो बिल्कुल अपने इंडियन स्टाइल का है। गलियों वगैरह में घूमने में नजारे आ रहे हैं। ये क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर चेतक खड़ा हुआ है, पर ये चेतक नहीं होगा, कोई दूसरा ब्रांड होगा है। और यहाँ पर खाने पीने के लिए ढूंढना, पहले तो खाया भी नहीं अभी तक, मैंने कुछ भी नहीं खाया जब से निकला हुआ हूँ। यहाँ पर ढाबा सा आ गया एक, और बिल्कुल सेम टू सेम अपने इंडिया सा ढाबा भाई, सेम टू सेम जैसे लग रहा है। और यहाँ पर मुर्गे उर्गे टांग रखे हैं बिल्कुल अपने इंडिया सा। और यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, 2-3 शब्द सीख लो यहाँ पर। एक तो सीख लो खपुन खा, और एक स्वादी खा। स्वादी खा मतलब होता है हेलो, खपुन खा मतलब होता है स्वादी खा मतलब हेलो,
खपुन खा मतलब थैंक यू। जी हाँ, अभी हम लोग गलियों से बाहर निकल गए हैं, मेन रोड पर आ गए हैं। तो इंडिया में फेमस है काले पीले कलर के टेम्पू, और यहाँ पर फेमस है इस प्रकार के टेम्पू, इसको बोलते हैं यहाँ पर टुक टुक। कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, लंबे लंबे से नाक वाले हैं, तगड़े चौड़े से, और पीछे ऐसे बैठ जाते हैं। इसके अंदर 50-60 रुपए का किराया लगता है। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से आगे की साइड में। और अच्छा भाई, इसको अभी चलाया था हमारे हिंद भाई ने, काफी तगड़ा बना रखा है इन्होंने। टैक्सी है ये, अगर आप लोग आते हो कभी तो इसको ट्राई जरूर करना। तो बैंकॉक में काफी सारी कैनाल्स हैं, उसमें से एक कैनाल ये है, और इसके अंदर आप लोगों को इतनी मछलियां दिखेंगी, बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ पर। बैंकॉक के अंदर ना जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें है ना, वो देखने में पहले दिन ही नजारे आते हैं ना, वो कभी कहीं जगह पर आते ही नहीं है। और अभी मेरे आसपास में देखो कोई भी नहीं है, दोपहर का समय, दोपहर को निकले हुए हैं। भाई साहब इनका खाना मिल गया पहले दिन आते ही इनका, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप होता है, बड़े सांप नहीं है ये, है ईल। और इधर की साइड में आपको मच्छियां देखने को मिलेंगी काफी सारी, पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने पकड़ के इसके अंदर रख रखी हैं। और पहले तो मेरे को लगा भाई ये सांप वगैरह है, मैं तो देख के हैरान, मैंने कि भाई ये क्या क्या खा रहे हैं यहाँ पर। और बगल में देखा तो कछुआ पड़ा हुआ है, ये कछुआ पड़ा है भाई यहाँ पर, कैसा कैसा खाना खाते हैं यार। अभी इसके अंदर देखो, ये भी भाई कोई सांप है या पता नहीं सांप है कि ईल है। जो अभी आप लोगों ने खाना पीना देखा, वो अभी दिखाया था थाईलैंड के फेरी टर्मिनल पे। फेरी टर्मिनल का नाम आप लोग देख लो क्या है, हेवेट पेरियर करके है, और ये है हमारी फेरी जिसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं बैठ के। ओ आताई जी, आप तो बड़ी अच्छी फेरी लेके आई है। भाई हिल कितना रहा है ये, इस फेरी के अंदर 60 बात लगे हैं, इसके अंदर हम लोग बैठ के जाने वाले हैं। और व्यू चेक करो, जो वाली आई थी एक कैनाल सी है, कैनाल ये बड़ी वाली नदी के अंदर जुड़ी हुई है। लो भाई बैठने का प्रारंभ शुरू हो गया है, यहाँ पर बैठा जाए कैसा लगता है इसके अंदर बैठ के। भाई साहब क्या ही नजारे है, क्या मस्त मस्त व्यू आ रहा है। सिटी भाई, सिटी के नजारे लेने तो इसी के अंदर आओ। लाइफ जैकेट रखी हुई है यहाँ पर, इसके अंदर इंजन है, ये इंजन चल रहा है। नजारे मारो, कैसा लग रहा है भाई? वाह मजे आ रहे हैं, मजे 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 आ रहे हैं मजे। भाई क्या खूबसूरत है यार नजारा यहाँ पर। भाई पानी के छींटे पड़ रहे हैं ना, अलग ही नजारे आ रहे हैं। बैठने का जुगाड़ इसमें 2x2 का है, दो इधर बैठते हैं, दो इधर बैठते हैं, और ऊपर पकड़ने के लिए भी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए। और ड्राइवर साहब हमारे यहाँ पर है, पता नहीं ड्राइवर बोलना चाहिए या लोको पायलट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इनको, ड्राइवर या लोको पायलट? भाई सिंहासन पे बैठा है बंदा, मेरे को तो लग रहा है ये वो है लोको पायलट जो ट्रेन वगैरह चलाते नहीं है, उसी टाइप की है। हैंडल तो बस का लगा रखा है, हैंडल बस का लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, वैसे तो इसको नेचुरल हवा आती होगी साइड से, और ये एक तगड़ी वाली जा रही है, मेरे को लग रहा है एसी वाली चलती होगी यहाँ पर। अभी भाई साहब अपनी बस को है जो पीछे कर रहे हैं, और स्टीयरिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया है, देसी जो अपना लगा रहता है बसों वगैरह में, और पीछे मिरर में देख के बैक कर रहा है गाड़ी ये। भाई क्या ही सीन चल रहा है, अलग ही लेवल की चला रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे हाथों से ना पूरी बस चला रहा हूँ, इतनी लंबी है ना ये। ताई जी हमको किसी मार्केट एरिया को दिखाने के लिए लाई है, भाई हमारा उतरने का टाइम आ गया है। भैया ये खोल दिए, लगा दिए, ये उतर गए भाई हम लोग अपने टर्मिनल पे। अब हमको यहाँ से जाना है कोई मार्केट देखने के लिए। ये हिलता बहुत है यार, इतना ज्यादा ऐसा से हिलना है ना, ये अलग ही लग रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को जो बोट है काफी लंबी मिलेगी, और अभी इसको हमने कर दिया है बाय बाय। मजे आए भाई, मैं सबसे पहले गया था बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के बाद मेरी ये है सेकंड टाइम मैं किसी फेरी के अंदर बैठा हूँ। वाह ये कुछ ऐसा सीन था इसका, और अभी चलते हैं यहाँ से एग्जिट मार के। फेरी टर्मिनल से निकलने के बाद यहाँ पर ताई जी हमको एक मार्केट घुमाने के लिए लाई है, और ये यहाँ पर मार्केट शुरू हो जाती है, और अभी तो दोपहर का समय है तो सब कुछ यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ ये सीन है मार्केट का, अभी चलते हैं धीरे धीरे अंदर क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पर ये कुछ बना रही है यहाँ पर ताई जी, कुछ तो खाना पीना है बढ़िया। यहाँ पर मार्केट वगैरह घूमने के लिए अच्छा लगता है मेरे को, ज़्यादातर मैं कंट्रीज में जाता हूँ तो मैं ज़्यादा व्लॉग्स मार्केट्स के ही बनाता हूँ। अभी अंदर चलते हैं, पहले खाते हैं
देन आपको मार्केट का थोड़ा बहुत मैं आपको टूर करवाता हूँ कैसी ये मार्केट है। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं और दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, वीडियो के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन देखना है कैसा है थाईलैंड पहले दिन। यहाँ पर खाने में मंगाया हमने ये, और इसको बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश थाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? चिकन विद बासिल। चिकन विद बासिल, बासिल मतलब राइस। अच्छा राइस को बासिल बोलते हैं लोग। ओके यू कॉल्ड इट बासिल? नो नो नो, ओके इसको पत्तों को बोलते हैं, हरी सब्जियों को बासिल बोलते हैं। हाउ मेरे को लगा हमारी भाषा में हाउ बोलते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ खाना मंगाया हम लोगों ने, इसको खाते हैं। चिकन है और राइस है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन खाना जो हमको एनर्जी मिलेगी इसी से मिलेगी, बाकी सब बेकार है। और एक ली है मैंने ये पेप्सी, पहले ली थी कोक, कोक तो ये वाली है। सो अभी मार्केट घूमते घूमते अंदर आ गए, खाना पीना खा लिया है। खाना खाने के बाद मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, इसके अंदर क्या क्या दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बेकरी जैसा सामान भी मिल जाएगा, जैसे बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, अचार वगैरह भी काफ़ी कुछ यहाँ पर, ये जितना आपको देखने को मिलेगा अचार वगैरह पड़ा हुआ है। ये भी अचार है लेकिन सी फूड वाला अचार है कोई ऐसा, यहाँ पर कुछ अचार वगैरह ये लोग बेचते हैं। बाकी अभी थोड़ा सा ना आगे चल के दिखाते हैं, अभी हम लोग यहाँ से मार्केट देखने के बाद जाएंगे यहाँ की सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ पर है वो वाला एरिया देखने के लिए। देखें तो यार वो वाला एरिया भी कैसा होता है। यहाँ पर मुर्गा उर्गा आपको देखने को मिल जाएगा, बारबेक्यू वगैरह करके बेचते हैं। चिकन पीस ये मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था बट मिला नहीं था, यही ढूंढ रहा था ना मैं उस दिन, ये सेम चीज ढूंढ रहा था मैं उस दिन। चिकन, हाँ राइट चिकन। उस दिन 40 बात का लिया था, उसको 2 दिन गया मैं ढूंढने के लिए, एक भी दिन नहीं मिला था और आज यहाँ पड़ा हुआ है। महंगा होगा मेरे को तो लग रहा है। How much brother? हमारे 80 बात, 2 गुना है, लेग पीस है ना, वो लेग पीस नहीं था खरीदना है। चलो खाना तो खा ही लिया अभी, अब क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा रात के लिए अभी लेके चले जाऊंगा यहाँ से। भाई क्या जुगाड़ बता रहा है, रात को खाएगा तो अभी लेके चले जा, रात को खा लेना बैठ के। वेजिटेरियन भाई, झूठ बोलना पड़ रहा है। ही डोंट चिकन, नो कुकू। बना रही है यहाँ पर मोहतरमा, क्या बना रही है यहाँ पर, चटनी वगैरह पीस रही है कुछ। ओके खत्म का, बाय बाय बाय। सो यहाँ पर ये लोग भी सूखी सूखी मछलियाँ खाते हैं और ऐसे पहले ही फ्राई करके रख लेते हैं, बाद में इसको खाते रहते हैं फ्राई कर करके बार बार में। तो यहाँ का खाना पीना कुछ इस प्रकार का है, मतलब जैसे मैंने पहले देखा था कि श्रीलंका के अंदर या अपने ट्राइबल एरियाज के अंदर ही ऐसे खाते हैं, जो उसको सुखा देते हैं मछली को फिर उसको खाते हैं, बट यहाँ पर भी वही सीन है। ज्यादातर जो कंट्रीज वगैरह मैंने अभी तक घूमी है, मच्छी को सुखाते हैं फ्राई करके रख देते हैं, मेरे को लगता है खराब नहीं होती होगी, देन उसको फिर वो यूज करते रहते हैं पूरे दिन। एक दिन चलती होगी ज्यादा ज्यादा, दूसरे दिन तो क्या ही चलती होगी। यहाँ पर भी ऐसे ही खाना वगैरह पड़ा हुआ है भाई। अब ये जिनका बिक गया तो ठीक है, नहीं है तो ये लोग फेंक देते होंगे, अब कल वाले बंदे को तो खिलाएंगे नहीं ये लोग। भाई रेडे से भी लेके आ जाते हैं यहाँ पर बेचने के लिए, कुछ ना कुछ सूप वूप बेचते रहते हैं यहाँ पर। बैग ले लो, यहाँ पर फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स तो ये चाइना वाले भाई, बहुत तगड़े तगड़े इन्होंने रखे। मैंने ये अंगूर देखो कितने बड़े बड़े अंगूर हैं, सारे ऐसे लग रहा है चाइना का, 100 बात का 1 किलो होगा ये। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पर भी रेडी सी है, ऐसे रेडी पे लेके ये लोग बेचते रहते हैं। ये भाई देखोगे तो सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पर, ये तो पपीता पड़ा हुआ है हरा पपीता। तो यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे एक अजीब सी चीज देखने को मिली, यहाँ पर फुटपाथ बना रखा है यार, ऊपर चलती है गाड़ियाँ, नीचे भी चलती हैं गाड़ियाँ और बीच में चलते हैं लोग। वैसे तो मेट्रो वगैरह वाला तो बहुत देखा बट ये तो पहली बार देख रहा हूँ कि चलने वाला यहाँ पर बना रखा है, और ऊपर है ब्रिज फ्लाईओवर, देन यहाँ पर फुटपाथ है, यहाँ पर चलते हैं लोग। अलग ही लेवल का, मतलब आपको सब चीज़ें मतलब अलग अलग देखने को मिलेगी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये सब चीज़ें कि यहाँ पर ऊपर बंदे चल रहे हैं, बंद भाई साहब जा रहे हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पर एक लॉटरी वाला सीन है, लॉटरी वाला सीन दिखाता हूँ। तो श्रीलंका की तरह यहाँ पर भी पुरानी पुरानी बसेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस प्रकार की बसें वगैरह है यहाँ पर। ये चलती है कि लोकल बस, लाल पीली सी और नंबर वाइज रहती है, नॉन एसी बस है ये। बाकी यहाँ पर ट्रैफिक पार करना है तो ये लाल कलर की पट्टी है, इससे पार कर सकते हो आप लोग। भाड़ा ढोने वाली गाड़ी मिल गई मेरे को यहाँ पर देखने के लिए। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ बस स्टैंड पे, बस का इंतजार कर रहा हूँ, सोचा आप लोगों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए कि अगर आप लोग इस कंट्री में आते हो क्या आपको वीजा चाहिए, इमिग्रेशन की प्रोसेस क्या है, क्या मेरे साथ यहाँ पर दिक्कत आई थी जो आपके साथ ना आए, करेंसी एक्सचेंज कहाँ करवानी चाहिए, सब कुछ बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले तो जब आप थाईलैंड आते हो तो किसी भी देश में जाने से पहले वीजा चाहिए, बट इस कंट्री के अंदर क्या है आप लोगों को वीजा की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 मई तक आपको वीजा फ्री है। 10 मई के पहले पहले जब मर्जी एंट्री करो, 30 दिन का आपको स्टे मिल जाएगा यहाँ पर रहने के लिए। बाकी दूसरी बात करते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में इंडिया में बहुत ज्यादा
तंग तो नहीं करते, बोर्डिंग पास वाले रहते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं, बट जो इस कंट्री के अंदर है कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा आप लोगों से कि आप क्यों आए हो। मेरे से तो कुछ नहीं पूछा था, स्टैंप मतलब पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगा दिया, भाई बोला वेलकम टू थाईलैंड, हमने बोला भाई थैंक यू। उसके बाद दूसरी चीज बता देता हूँ, कभी भी कार्ड के ऊपर डिपेंड होके मत आना, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को डॉलर्स का रेट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने गलती कर दी, यही पहली कंट्री ऐसी है जहाँ पर मैं डॉलर नहीं लेके आया और मेरे को अभी दुख हो रहा है। तो हमेशा डॉलर लेके आओ, डॉलर का रेट बहुत अच्छा मिलता है इन कंट्रीज के अंदर। इसके आप पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी जाओ आप लोग डॉलर्स कैरी किया करो। बाकी ये थी इमिग्रेशन की बात और वीज़ा की, और ये दो तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी यहाँ पर जैसे ही बस आती है तो उसके अंदर बैठ के यहाँ से निकलेंगे। मैंने सोचा थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। बाकी ये मेरा था 7th कंट्री अगर इंडिया को काउंट करते हो एज अ कंट्री तो, और यहाँ से मेरी जो ट्रिप है ये पहला वैसे वीडियो है मेरा, और यहाँ से मेरा ट्रिप है इंडिया टू, वैसे तो था इंडिया से रशिया तक का बाय लैंड, बट बीच में म्यांमार है वहां पर दिक्कत थी, म्यांमार के थ्रू नहीं आ पाए हम लोग, तो फ्लाइट लेके थाईलैंड में आना पड़ा। चलती है जैसे अपने टम्पू चलते हैं, इनके चलते हैं ये, वो जा रहा है आगे घोड़ा सा, मतलब छोटा हाथी बोलते हैं ना, एक इसमें ये कलर चलता है टैक्सी का। थाईलैंड के अंदर अभी भी रूल चलता है राजा का, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन पावर रहती है राजा के पास में, ये थाईलैंड का राजा। अभी भी ये जो है मोनार्की वाली कंट्री है। अभी करते हैं रोड क्रॉस, लेट्स गो ब्रो, बस पकड़नी है ना अभी अपन को। खाने पीने के लिए ऐसी ग्रैब आपको मिल जाएगी हर जगह, तारों का जाल है वो थाईलैंड के अंदर भी आप लोगों को सेम अपने जैसे ही मिलेगा, ढेर पड़ा हुआ है हर जगह पर। और भाई मॉडिफाइड स्विफ्ट देखो कितनी सुंदर लग रही है यार, ऐसी इंडिया के अंदर कर दो नजारे आ जाएंगे, बट मॉडिफिकेशन इलीगल है। यहाँ पर लॉटरी का क्रेज देखो कितना, श्रीलंका में तो बहुत ज्यादा क्रेज था, यहाँ पर भी क्रेज है। नमस्ते आंटी जी, कपन खा 1 4 हाउ मच 100 बात, हाउ मच आई कैन विन, दिस इज 200, हाउ मच आई कैन विन प्राइस। मैं भाई इनसे पूछ रहा हूँ कि कितना जीत जाऊँगा अगर मैं ले लेता हूँ तो। ओके खपुन खा, आई एम नॉट दैट रिच सो आई कैन अफोर्ड दिस। ओके बाय, मैंने भाई इनसे बोला अपन इतने अमीर नहीं है कि ये सब चीज ले ले। क्या थाईलैंड के अंदर एक किडनैपिंग वैन देख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आप लोग देखोगे इस किडनैपिंग वैन को इन लोगों ने चेंज करके बिल्कुल भाड़ा ढोने वाली मशीन बना रखा है, मतलब भाड़ा ढोते हैं इसके अंदर। टम्पू जैसा था, देसी दिखाया था, वैसा ही ये बना रखा है सवारी ढोने के लिए। बाकी मेरी वॉइस चले गई थी तो इसको मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और अभी यहाँ से देखोगे तो पीछे ही इसके जैसी एक और है, और ये अंकल जी मेरे को बोल रहा है भाई बैठ जाओ इसके अंदर आपको छोड़ देंगे। मैंने बोला नहीं अंकल जी, मेरे को अभी थोड़ा आपका शहर घूमना है। और ये देख लो, ये है एक नीले कलर की, और इनके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा चिट चैट करी और देन आगे निकल गए। और मैं इधर बता रहा हूँ कि भाई ये देखोगे तो आपको सिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगी। बाकी ये क्या मेरे को चेतक देखने को मिला, इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, आजकल इंडिया में तो चलते नहीं है बट बैंकॉक की गलियों में आज भी दौड़ रहे हैं। और ये टुक टुक तो भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनके बिना तो क्या ही थाईलैंड और क्या ही मतलब बैंकॉक घूमोगे। इसमें तो ज़रूर बैठना, कभी जिंदगी 50 बार बोल दिए बट बैठ जाना। ये अंकल जी है, और अरे भाई आपने क्या गिरा दिया, इसको उठा तो दो, नहीं उठाओगे, चलो कोई चक्कर नहीं है भाई, अभी मैं चलता हूँ यहाँ से अपनी फेरी टर्मिनल की तरफ। और ऐसा कुछ यहाँ का मेरा नज़ारा है, मेरा नज़ारा नहीं है, मतलब मैं तो वॉइस। घर जाते वक्त हम लोगों ने सोचा क्यों ना महंगी वाली बोट ले ली जाए, वैसे तो बोट नहीं बड़ी है यार, फेरी वेरी। और आसपास में नज़ारे देखो यार क्या मस्त लग रहा है, बिल्डिंग्स चेक करो यार आसपास में, ये बिल्कुल एक कैनाल जो मैंने दिखाया था वो रिवर के अंदर जुड़ जाती है पूरी की पूरी, आपको क्या ही अलग ही लेवल का भाई, बिल्कुल छत पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल टॉप पे। भाई थाईलैंड की पुलिस चेक करो कुछ ऐसी रहती है, और ये पुलिस भी स्कूटीज के ऊपर गेड़े मारती है। यहाँ पर आप लोगों को इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले भी काफी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको काफी मतलब 5% या 2% के आसपास इस्लाम को फॉलो करते हैं यहाँ पर, आई थिंक 5% है यहाँ पर। तो भाई पूरा दिन बैंकॉक घूमने के बाद मैं थक गया था, और अभी हम लोग रात का यहाँ पर अपना डिनर कर रहे हैं। ये है चिकन करी, क्योंकि मटन करी मंगाई थी वो तो खत्म हो गई थी, इसका हम लोग दे रहे हैं 130 या 140 बात है एक प्लेट का ये, और ये इंक्लूडेड है, और रोटी है, ये पूड़ी है, और ये कुछ ऐसा है इसमें भी है भाई, टमाटर डाल रखे हैं, और ये टोटल मिला के 200-250 बात का हो गया, 300 बात। अगर यही चीज हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, इंडिया का 1500 रुपए लगभग इतने में आएगा। क्योंकि मैं जब वियतनाम में था तो इतनी सी थाली मंगाने के लिए हम लोगों ने 500 रुपए, मतलब एक कटोरी मंगाने के लिए 500-500 रुपए दे रखे हैं दाल के। तो ये तो फिर से नॉर्मल वाला खाना है, मतलब महंगा वाला खाना है, वैसे चिकन विकन है, दाल के 500-500 रुपए दिए मैंने वियतनाम में। ट्राई करो भाई, थोड़ा चून लगा हुआ है ऊपर, हाँ
बट देखते हैं खाके। देखो बताओ यार टेस्ट वगैरह हमको, क्योंकि ये इंडियन नहीं नेपाली नेपाली रेस्टोरेंट है, सेम है। बढ़िया भाई, किस चीज़ की है, मैदे की है कि किसकी है? रोटी। हाँ आटा की है, आटा सस्ता हो शायद।